हाँ तो मेरी जान, चलो होली आप बहुत परेशान। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अकेले ही क्यों खोने का डर रखते हो। अपने पार्टनर को आप अकेले ही क्यों खोने का डर रखते हो। आज उसके अंदर भी खोने का डर पैदा करते हैं। आज उसको भी दिखाते हैं कि उसकी औकात क्या है। आप अकेले ही नहीं हो कि आप ये रिलेशनशिप को ढोना चाहते हो, उसको भी आना पड़ेगा, उतना ही बराबर का करना पड़ेगा। और अगर आपको इंपॉर्टेंस नहीं देता, पहले जैसा प्यार नहीं है, खत्म हो रहा है सब कुछ, आपको वो खोने से बिल्कुल डरता ही नहीं है। जाओ चाहे जहाँ जाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा वाला सीन है, आपको बहुत ज़्यादा पहले मतलब इंपॉर्टेंस देता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहता था, कॉल करता था, मैसेज करता था, हर चीज़ करता था, लेकिन आज के ज़माने में आजकल कुछ भी नहीं कर रहा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि भाई आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे ऐसे मतलब पॉइंट्स और ऐसे ऐसे तरीके जिससे कि आपका पार्टनर जो है वो वापस आएगा और आपको हर मिनट हर सेकंड आपको अकेला छोड़ेगा ही नहीं छोड़ेगा। आपसे मतलब प्यार मोहब्बत सब कुछ वैसा ही हो जाएगा अगर वो ट्रू लव हुआ तो। अगर आपका प्यार ट्रू लव नहीं होगा तो समझ लो भाई इस वाले वीडियो का आपके लिए कोई मतलब नहीं। आपका पार्टनर जो भी थोड़ा बहुत चल भी रहा है ना, वो भी खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप चाहते हो एकदम पहले जैसा सब कुछ सही करना, तो इस वीडियो को जरूर देखना। तो भैया सबसे पहले जो होता है ना, आप उसको अपनी आदत लगवाना पड़ेगा। आपको अपनी आदत लगवाओ उसको, मतलब कम से कम 3-4 दिन उससे बातें करो, अच्छे से बातें करो, खुद कॉल करो, खुद मैसेज करो, हेलो हाय उसको मतलब टाइम मांगो, कहो उससे बोलना है थोड़ी देर मुझसे बात कर सकती हो। तो जब वो बात करने लगे, फिर कुछ भी ऐसा होने लगे तो उससे बात करते रहो। बात करते करते धीरे धीरे उसको अपनी आदत लगवाओ, फिर से वापस जैसे शुरू में तुमने किया था ना वैसे ही करना पड़ेगा। उसको एक फ्रेंड की तरह रखो, एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करो, और उससे हर वो चीज़ पूछो, हर मतलब तरीके वाली बातें पूछो, जितना हो सके ना उससे मतलब क्लोज होने की कोशिश करो, उसके पास जाने की कोशिश करो। उससे पूछो कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, तुम्हारे घर में कौन कौन कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा। अच्छा जो तुम पिछली बार तुम्हारे पड़ोसी को कुत्ता मारा था वो अभी तक जिंदा हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे मतलब वाहियात से सवाल पूछने। लेकिन आपको उसके करीब जाना है। अब ये होने के बाद भैया जब आपका अच्छा खासा लगने लगे ना आपको कि हाँ चलो सब पहले जैसा होने लगा है, ठीक होने लगा, अब ये बात करने लगी है मुझसे, अब ये टाइम देने लगा, अब सामने से मैसेज आने लगा है, तब भाई आपको सेकंड वाला गेम खेलना है, जो कि है आपको भैया कुछ दिन के लिए उसको अकेला छोड़ दो। अकेला मतलब ऐसा कि उससे कॉल मैसेज कुछ भी ना करो और बिना बताए चले जाओ। ये मत कहना कि मतलब अब भैया तुम हो गए हो, चले गए हो, उसके बाद में हर एक घंटे में हर एक मिनट में ऑनलाइन आ रहे हो, अरे मेरी जान ऑनलाइन है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं, कुछ भी नहीं मतलब है भाई। आप गायब हो गए तो मतलब हो गए, अब वो भैया होगी परेशान, ठीक है। अब उसके बाद में जब एक दो दिन बीत जाए तो आप अपने दोस्तों के साथ, आपके फ्रेंड होंगे यार इतने बड़े हो गए, दोस्त तो होंगे ही दोस्त होंगे, इनके साथ घूमने फिरने जाओ, पार्क में जाओ या कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कहीं घूमने जाओ, फोटो वोटो खींचो, वीडियो वीडियो बनाओ। आज के ज़माने में टिकटॉक बन रहा है तो टिकटॉक वाली वीडियोस बनाओ, थोड़ा बहुत मतलब स्टेटस, गाने वाने अच्छे अच्छे। और हाँ एक चीज़ याद रखना, गाने ये रोने धोने वाले ना, एकदम हंसी खुशी वाले, तुमसे ज़्यादा खुश इंसान तो अभी इस टाइम कोई है ही नहीं, ऐसा तुम्हें रिएक्ट करना है। और भैया एक चीज़ बताओ, जो फेसबुक होता है, जो ये व्हाट्सअप होता है, जो इंस्टाग्राम होता है, ये सब में जो स्टेटस वाला दिया रहता है ये किस दिन के लिए दे रहता है। तो भाई आज इसको पूरा का पूरा मतलब एक तरीके वाला मतलब उपयोग करने का बताऊंगा, आप इसे कैसे एकदम अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। ये है तुम्हारी सेटिंग को वापस लाने का सबसे बड़ी चाबी। तो भैया जब तुम ना इग्नोर कर रहे होगे तो भाई 2-3 दिन बाद जब आओगे ना तो स्टेटस इस पे लगाने एकदम खतरनाक वाले, अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए खेलते हुए। अब बहुत सारे लौंडे क्या होते हैं, लौंडियाँ क्या होती है ना, इनका ब्रेकअप होता है तो भैया इनसे ज़्यादा दुखी इंसान, इनसे ज़्यादा मरा हुआ इंसान तो कोई होता ही नहीं। साला एकदम घटिया से घटिया स्टेटस लगाते हैं, मतलब ऐसे कि जैसे सब कुछ खत्म हो रखा है, जानू तू चला गया, जानू मैं मर जाऊंगी, जानू ये कर दूंगी, जानू अरे जानू तेल लेने गया, अभी छोड़ो जानू को, जानू खुद आएगा तुम्हारे पास, टेंशन काहे ले रहे हो, अरे हम है ना। तो भैया अब जब ये सब बातें होने लगी, आपको स्टेटस में अपने लगाना है बढ़िया से एकदम खुशी वाला, एकदम प्यारी प्यारी सी मतलब हंसने वाली या फिर बहुत ज़्यादा एकदम रोमांटिक वाली ऐसी चीज़ें लगानी है, ठीक है। ब्रेकअप हो रखा है चलो साइड में हटाओ, वो रखा है उसके नीचे कैप्शन में डालने हैं, आपको ऐसा दिखाना है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आपको ऐसा दिखाना है। भैया इस वाले सीन में मैंने बताया था ना कि ट्रू लव होगा तभी वापस आएगा, अगर वैसा हुआ ना तो बहुत ज़्यादा शक वाली होगी, शक करती होगी तो भैया तुमसे आएगी, लड़ेगी झगड़ेगी, लेकिन ठीक हो जाएगा सब कुछ। और बहुत ज़्यादा बकचोदी होगा, तुमसे प्यार नहीं करती तो कह के भाड़ में जाए, अच्छी बात है आ गया, अब मेरा पीछा छुट्टा, वो दो तीन लौंडे उसके पीछे पड़े हुए थे, या फिर लौंडे जो समझना वो समझो, वो पीछे पड़े हुए थे ना उसके साथ वो चली जाएगी। या फिर अगर आपसे प्यार करती होगी तो भाई आपसे आकर लड़ेगी, क्यों किया तुमने, क्यों किया ऐसा, भाई ये सब होने लगा। अब भाई स्टेटस लगाने लगे हो तुम, बढ़िया से एकदम लिख रहे हो। अब भाई जैसे मतलब स्टेटस में क्या कर सकते हो आप, एक बढ़िया सा मतलब बताता हूँ मैं आपको। स्टेटस में अगर आप लड़के हो तो भाई आप किसी घड़ी की मतलब अपने हाथों वाली वॉच होती है उसकी मतलब गूगल से फ़ोटो उठाओ, या कुछ भी करो उससे मतलब नहीं होता, गूगल से फ़ोटो उठाओ, या ऐसा कोई गिफ्ट जो लड़कियाँ अक्सर अक्सर देती रहती हैं लड़कों को, जैसे गुलाब का फूल हो गया,
मिलता रहता है भाई, ऐसा मत सोचो। घड़ी हो गई और तुम्हारी कोई टी शर्ट हो गई, कुछ भी ऐसा हो गया, मतलब तुम खतरनाक खतरनाक से स्टेटस में लगाओ, कहो थैंक्स फॉर गिफ्टिंग मी माई लव फलाना ढिकाना, कुछ भी बोलो और उसे दिखाना है कि तुमको किसी ने गिफ्ट किया है। अब जब ये सब दिखाने लगोगे ना भाई, तो उसकी तो चल के चार हो जाएगी। अब जब चल के चार होने लगे ना, तो भाई आप एकदम सही वाले उसमें हो रहे हो। अब मैसेज करेगी किसने दिया, कैसे दिया, क्यों दिया, ये हुआ वो हुआ, वो सब हटाओ। आप मैसेज देखना, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं करना है आपको उस टाइम, बाद में रिप्लाई कर देना, वो ठीक है। अब भैया जितना हो सके ना, तुम अपने आप को खुश दिखाओ, उसको ये दिखाओ कि ऐसा है वैसा है। अब भाई वो खुद आकर के आपसे बात करने के लिए तड़पेगी, आपसे खुद ही बातें करने के लिए वो आएगी, घूम पे टहल के हर जगह से। अब तुम पे वो फोकस करिए, अरे यार ये बंदा पहले कितना प्यार करता था, ऐसे कैसे बदल सकता है, इसने तो मेरे साथ जीने मरने कसम खाई। उसको वो सारी की सारी पुरानी बातें याद आने लगी। और फिर अब जब सही टाइम हो जाए, जब आपको लगे कि ये लड़की अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, बहुत ज़्यादा तुमसे तुम्हारे पास आना चाहती, तब भाई साहब उससे सारे के सारे वादे फिर से वापस लो, सब कुछ वैसे ही करवाओ। अब तो तुम ऐसा नहीं करोगी, अब तो ऐसा नहीं करोगी, या फिर ऐसी गलती दोबारा तो नहीं करोगी। हर उसकी गलती मनवाओ, सब कुछ करो, लेकिन उसे छोड़ के मत जाओ। अब भैया जो तुम्हारा पुराना वाला रिलेशनशिप था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा हो गया, लेकिन इस वाले में एकदम नए की तरह हो गया। तो भाई इस वाले रिलेशनशिप को ऐसे ही भैया करना पड़ता है तुम्हें। अगर थोड़ा सा भी हो ना, हद से ज़्यादा टाइम मत दो, हद से ज़्यादा टाइम देने लगते हो, अपने आप को दूसरे के सामने कुछ ज़्यादा एकदम खुली किताब जैसे बन जाते हो ना तुम। अरे हम तो खुली किताब है, पढ़ लो हमको जितना पढ़ना है। तो भैया पढ़ते पढ़ते ना तुम्हें वो पढ़ के एकदम थक गई है और बोर हो गई है, सब कुछ तो पढ़ डाला है तुम्हारे अंदर, कुछ है नहीं। तो भाई एकदम मिस्टीरियस बनो, फिर से जैसे बता रहे हैं लड़की के समझ में ही ना हो, ऐसे इंसान बनो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो कर लो, कोई प्रॉब्लम हो कुछ भी हो तो भैया एक बार आओ यार, काहे लिए बैठे रहते हो यार। देखो कमेंट करके देख लो यार एक बार, बहुत मजा आता है कमेंट करोगे तो यार एकदम अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा प्यार सा लगता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्यों अभी तक अटके पड़े हो, क्यों लटके पड़े हो। अब खोने का डर बता दिया हमने, पैदा कर लो जैसे हो सके, है ना। और तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया चल रहा हो, नीचे कमेंट करके बताओ क्या है दिमाग में आइडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।